सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में पास, सवर्णों को 10% आरक्षण का बिल, संविधान संशोधन बिल पर 5 घंटे चर्चा, सभी संशोधनों को बहुमत से मंजूरी, आज राज्यसभा में सरकार का टेस्ट, कांग्रेस SP के समर्थन से राह होगी आसान, 2019 के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ABP न्यूज पर बड़ी कवरेज। लोकसभा में पास, राज्यसभा में आज क्या होगा? अगर रुख पार्टियों का वही रहा जो लोकसभा में था, तो सरकार को आरक्षण के इस बिल को पास करने में राज्यसभा में भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। देखिए, नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सही है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह संसद कह रही है। सवर्ण आरक्षण का बिल लाकर सरकार ने देश की राजनीति पलट दी। राफेल को लेकर सरकार पर चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल को भी मोदी के साथ आकर खड़ा होना पड़ा। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले भी विरोध करने का साहस इस बिल पर इस वक्त नहीं जुटा पा रहे। यकीन नहीं होता, लेकिन सच यही है कि आरक्षण बिल के खिलाफ सिर्फ 3 वोट पड़े, आप देख भी सकते हैं, और सवर्ण आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है लोकसभा से। राज्यसभा में आज ये बिल आएगा, लेकिन लोकसभा से ट्रेंड सेट हो चुका है। राज्यसभा में बहुत कम सांसद होने के बाद भी सरकार की राह आसान है। आप इसी से समझिए कि आरक्षण पर मोदी सरकार ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि राफेल से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे फिलहाल परे हो गए। देश में चर्चा सवर्ण आरक्षण के बिल को लेकर हो रही है और संसद भी कह रही है 10% सही है। इस देश ने आरक्षण के नाम पर सिर्फ हिंसक आंदोलन देखे हैं, लेकिन पहली बार आरक्षण के सवाल पर सड़क पर जश्न मना है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण का ये दाव मोदी सरकार ने चला, और देखिए लोकसभा से बिल जब पास हुआ उसके बाद किस तरह से सेलिब्रेशन की, जश्न की तस्वीरें आम लोगों के बीच से आती हुई। अब सवाल ये है कि एक मूड जिसको बदलने की कोशिश BJP की तरफ से की गई है, सवर्णों का वो वर्ग जिसने नोटा दबाया था हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों में, BJP की झोली में वोट न डालकर नोटा जाने पर उन्होंने अपना विश्वास जताया था, क्या उन सवर्णों का, सामान्य वर्ग के उन लोगों का विश्वास मोदी सरकार वापस जीत पाएगी, क्या चुनाव में कैश करा पाएगी इसे BJP? सवर्णों को 10% आरक्षण पर क्या कह रहा है लोकसभा में पक्ष विपक्ष के सांसदों को देखिए। पहले साल में ला सकते थे, दूसरे साल में ला सकते थे, तीसरे साल में ला सकते थे, चौथे साल में ला सकते थे, मगर अंतिम घड़ी में लेके आए हैं। मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक, अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत। गरीबों का इतना ही ख्याल होता तो ये बिल पहले सेशन के पहले दिन आता। पति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। क्यों नहीं सरकार ने Schedule 9 के अंदर इस रिजर्वेशन को लाने का काम किया? दिस बिल इज एन इंसल्ट टू बाबा साहब अम्बेडकर। अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। द बिल एज अमेंडेड इज पास्ड बाय द रिक्विजिट मेजोरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा से ये बिल पास हो गया, सिर्फ तीन वोट इसके खिलाफ पड़े। राज्यसभा में अगर लोकसभा जैसी स्थिति होती है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी सरकार को ये बिल पास करने में। ECG सरकार का देखिए, राज्यसभा में स्ट्रेंथ कुल 244, NDA के अपने बल पर 92, उसमें कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दे दे 50 हो जाते हैं, आंकड़ा 142 पहुंच जाता है। समाजवादी पार्टी के 13 सांसद जोड़िए, आंकड़ा 155, BSP के 4 सांसदों का समर्थन आंकड़ा 159, NCP के 4 इसमें जोड़ दीजिए 163 पहुंच जाता है आंकड़ा। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में समर्थन दिया, राज्यसभा में भी वही स्थिति रहती है तो 166 हो जाता है यह आंकड़ा। GDS का एक मिला दीजिए 167, 163 सीटें बिल पास कराने के लिए चाहिए, और अभी के हिसाब से लोकसभा के पैटर्न पर राज्यसभा अगर वोट करता है तो किसी भी तरह की दिक्कत मोदी सरकार को इस आरक्षण के बिल को पास कराने में 2/3 बहुमत से नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि यह एक बड़ा दांव मंदिर, रोजगार और अवसर, इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ करके एक नया डिस्कोर्स, एक नया नैरेटिव जो मोदी सरकार लेकर आई है, इसका कितना फायदा, किस हद तक फायदा चुनाव में ले पाएगी मोदी सरकार। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में BJP से राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी ABP न्यूज के कार्यकारी संपादक विजय विद्रोही मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
देखिए आम जनता के बीच भी अगर आप जाएंगे, सेलिब्रेशंस की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई लोग इससे बहुत अच्छा कदम बता रहे हैं, पर आपको एक बात ग्राउंड जीरो से सुनने को मिल जाएगी जफर भाई, और वो ये है कि ये चुनावी स्टंट तो है, ठीक चुनाव से पहले किया गया है, तो जनता ये बात तो समझ रही है। अब ये बताइए, इतना बड़ा दाव चलकर क्या लगता है आपको 2019 के चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? देखिए, हमारा स्लोगन ये इलेक्टोरल स्लोगन नहीं था, सबका साथ सबका विकास, कोई इलेक्शन के लिए ये नहीं था, ये हमारा स्लोगन इसलिए था कि हमारी फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी की कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो राइट टू जस्टिस जो है और इकोनॉमिक जो जस्टिस और जो सोशल जस्टिस, दोनों उनको मिलना चाहिए। हम उस दिशा में बराबर शुरू से काम कर रहे हैं, हम अपने कार्यकाल में काम कर रहे हैं, पहले आखिरी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अपने देश के वासियों को इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं कि नहीं, जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या बात है कि आखिरी में दे रहे हैं, 6 महीना बचा, 8 महीना बचा है, भाई अपने कार्यकाल में दे रहे हैं, जो 70 साल तक कई कार्यकाल में रहे उन्होंने तो दिया नहीं। मुकेश नायक से ये पूछिए, मुकेश नायक जी से ये पूछिए कि भाई इतने सारे कार्यकाल आपके रहे, उसमें क्या आप डफली बजा रहे थे जो आपने नहीं दिया? हमने तो देने का काम किया अपने कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में थोड़ी बोल रहे हैं। हम लेकर आए, हमें मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों को कि वो हमारे साथ आए, उन्हें आना भी पड़ा लोकसभा में, उन्हें वोट करके इसे पास कराना भी पड़ा, तो क्या फर्क पड़ता है पहले आए या बाद में? देश कर दिया ना, किसने किया मुकेश नायक जी, मायने वो रखता है। अब मुझे बताइए बीजेपी को इसका फायदा क्यों नहीं होगा चुनाव में? देखिए, बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा, उसका कारण है कि इस देश में रोजगार हो तो आरक्षण का कोई अर्थ है? बेरोजगारी की दर 7.5% पर जा रही है, जो अपने न्यूनतम स्तर पर है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपने उत्तर में यह कहा है कि 24 लाख पद खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब कोई नौकरियां नहीं है तो आरक्षण किस बात के लिए दे रहे हैं? देश में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जीएसटी के बाद 3.5 लाख करोड़ का देश को नुकसान हुआ है, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 2018 के एक आकलन के अनुसार आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं होना मुकेश जी, तो हमने इसलिए समर्थन दिया, हमने इसलिए समर्थन दिया कि कोई भी राजनीतिक फैसला देश के जनमानस में एक परसेप्शन बनाता है, तो कांग्रेस के बारे में देश के जनमानस में परसेप्शन खराब ना हो, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सूत्र की लड़ाई में आप लोग हार ना जाएं, इसीलिए आपने भलाई इसी में समझी कि इस बेहद अहम मौके पर समर्थन दे दो। जफर इस्लाम वो कह रहे हैं कि भाई नौकरियां तो है नहीं आपके पास, आरक्षण आप दे दीजिए, आरक्षण का लॉलीपॉप, नौकरियां तो है नहीं, कहां देंगे आरक्षण? मुझे तो नेहा जी बड़ा डर लग रहा है इनकी बातों से, कांग्रेस की जो मंशा है उससे मुझे डर लग रहा है नेहा जी, कि जब ये कभी गलती से पावर में फिर से आ गए तो ये तो सारे जितने भी एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन वो खत्म ही कर देंगे। आप इनकी भाषा सुनिए, इनकी शब्दावली सुनिए, इनकी इंटेंशन देखिए, ये तो खिलाफ ही है रिजर्वेशन के। हम चाहते हैं देश की जनता का भला हो, ये चाहते हैं कि बस खाली परिवार का भला हो। अरे भाई मुकेश भाई, कम से कम ऐसी मानसिकता तो मत रखिए कि जो गरीब, थोड़ा आप चाहे वो कोई समाज के वर्ग का गरीब आदमी है, बीजेपी अभी से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर के। इस चर्चा में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले विजय विद्रोही ये शुरू हो गया है, 2019 के लिए जो लड़ाई है उसमें आरक्षण अभी सिर्फ एक हाउस से पास हुआ है, आरक्षण का ये बिल राज्यसभा में अभी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन बीजेपी ने अपनी अप्रोच बहुत साफ कर दी है, हम लेकर आए आपको साथ देना पड़ेगा और जो क्रेडिट है वो हम लेकर जाएंगे। अब आप करते रहिए, सवाल उठाते रहिए। नहीं, ये मसला ऐसा है ना कि कोई भी विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी इसका चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती, खुलकर कम से कम उस रूप में विरोध नहीं कर सकती जैसा कि AIDMK या DMK, उनकी अलग अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब ये श्रेय लेने की होड़ है कि बीजेपी सारा श्रेय ना ले जाए, उसका हिस्से हमारे हिस्से में भी कुछ चीजें आए और इसको सामान्य वर्ग के आरक्षण के रूप में प्रचारित करना
विपक्ष का काम हो गया है और सरकार इसको सवर्ण के रूप में मुझे लगता है कि प्रचारित करने की कोशिश ज्यादा कर रही है। और कुल मिलाकर लेकिन कहानी हमें ये देखनी है कि अब 85% देश की आबादी है जिसकी जो आय है वो 8 लाख से नीचे की है, 95% करीब, 95%। तो ऐसे में क्या 60% आरक्षण 95% के लिए रहे हैं और बाकी 40% आरक्षण सिर्फ 5% के लिए रह गया? बिल्कुल, ये बड़ा एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन चुनाव के वक्त जो पहला संदेश गया है अभय दुबे जी, उसमें क्या फ्रंट फुट पर और एडवांटेज में, फायदे में इस वक्त बीजेपी आ गई है और बाकी विरोधी दल जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आ गया उनका कर। देखिए, कल से लेकर अभी तक मेरी समझ में तो ये आया है कि कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, इस मामले में एडवांटेज के लिए, लाभ के लिए नहीं खेल रही है। सारी की सारी पार्टियां अपने डिसएडवांटेज को बचाने के लिए खेल रही है। भाजपा इसलिए खेल रही है, भाजपा ये मसला इसलिए लाई है ताकि जो ऊंची जातियां उससे छिटकती जा रही थी वो वापस आ जाए, जो उसकी पहले से वोटर है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसलिए कर रही है ताकि जो दूसरी ऊंची जातियों का विरोधी ना मान लिया जाए। इसमें किसी को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। आगे कौन गया इस गेम में, आगे कौन गया है? भाजपा आगे, जाहिर है पहलकदमी उसने ली है, भाजपा उसमें आगे है, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर मतलब चुनाव में कैश करा पाएगी बीजेपी? नहीं, मैं चला रही हूं हेडर कि क्या चुनाव में कैश करा पाएगी 10%? मैं एक बात साफ कर दूं कि पिछले चुनाव में भाजपा को 31% वोट मिले थे, उसमें ऊंची जातियों की वोटों की प्रमुख भागीदारी थी, सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिले थे। वो वोट दोबारा भाजपा को मिल जाए, उससे न चिटके, इसलिए ये काम किया गया है। दूसरी पार्टियां डरी हुई हैं कहीं उन्हें ऊंची जातियों का विरोधी ना मान लिया जाए, तो सब लोग डिसएडवांटेज को किस तरह अवॉइड किया जाए, नुकसान को नुकसान से किस तरह बचा जाए, ये पूरा खेल हो रहा है। फायदा किसी को नहीं। मेरे साथ राजकिशोर जी भी जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक संपादक एबीपी न्यूज के। मैं उनके पास आऊं उससे पहले जल्दी से मुकेश नायक जी, मैं चाहूंगी जो अभय दुबे जी और जो बात विजय विद्रोही ने कही उस पर आप टिप्पणी कीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्यों ना माना जाए? आप लोग सबको रैली करना पड़ा है उनके पीछे, ऐसे मौके पर आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि आप इसका विरोध नहीं कहा। नहीं, हम लोगों नहीं कहा कि मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा, नहीं, 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 नहीं कहा। बचाव की गई कार्रवाई है, मास्टर स्ट्रोक थोड़ा मारता है। मास्टर स्ट्रोक तो वो मारता है जिसमें आत्मविश्वास होता है। यहाँ तो सीधे सीधे भाजपा इस डर की शिकार थी कि ऊंची जातियों के वोट छिटते जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव उसके नतीजे साफ बताते हैं। हाँ। और दूसरे विपक्षी दल भी डरे हुए हैं। हाँ। तो डरे हुए लोगों की गोलबंदी है ये इसके है। पक्ष में इसमें किसी के पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं ठीक है। लेकिन फिर भी फायदा आप कह रहे हैं बीजेपी को होगा, या ये भी नहीं कह रहे? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ भाजपा ने पहलकदमी ली है, भाजपा आगे दिखाई पड़ रही है। बुनियादी तौर पर फायदा किसी को नहीं है। अभय दुबे जी, सीधी सीधी बात होनी चाहिए ना कि अगर डरे हुए लोगों ने ये ज्यादा सीधी बात कौन क्या हो रही है? डरे हुए लोगों ने अगर एक कदम उठाया तो इसका फायदा हो रहा है या वो और नीचे जा रहा है उनका ग्राफ? देखिए, चुनाव बिल्कुल भाजपा ने कम से कम अपने ऊंची जातियों के वोटों को बचा लिया है और विपक्षी कोशिश कर रहा है कि उन्हें ऊंची जातियों के विरोधी न करार दिया जा सके। इसके अलावा इस पूरे खेल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नुकसान लोकतंत्र को, आरक्षण की नीति को ठीक है। प्रोफेसर संगीत रागी, लेकिन क्या इससे राम मंदिर नहीं बना पाए बीजेपी वाले? 2 करोड़ रोजगार विपक्ष कहता है नहीं दे पाए, 15-15 लाख अकाउंट में नहीं आ पाए, एंटी इनकम्बेंसी जो एक बड़ा फैक्टर रही 3 राज्यों में जहां बीजेपी की हार हुई, क्या ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे? देखिए, मैं पहली बात तो शुरू करना चाहूँगा जहाँ मेरे बड़े भाई अभय जी ने कहा कि ये आरक्षण की नीति को इससे हानि हो रही है, संभवतः यही आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण की नीति की सही जो दिशा है वो यही दिशा होनी चाहिए थी। जब कैटेगरी और कम्युनिटी के बीच में हितों का टकराव होता है, उसको उससे बीच का रास्ता निकालने का माध्यम मुझे कोई ऐसा जाति नहीं हो सकती है। इसीलिए इस जो आरक्षण की नीति ये अगड़ों के लिए दी गई है, उसमें ये जातियां नहीं है, उसमें आर्थिक आधार है। संविधान में जो लंबी बहस हुई, संविधान में जो कहा गया, विजय विद्रोही पहले बात तो कर, जो पिछड़े लोग हैं उनको विजय विद्रोही आप सुन तो लीजिए, मैंने बीच में हस्तक्षेप किसी का नहीं किया था, आप मुझे मेरे अपनी बात करने दीजिए। संविधान में ऐसा कभी प्रावधान नहीं था। पहले संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन संशोधन तो किया गया है ना। 124 संशोधन किस लिए हुए संविधान में? इसीलिए तो हुए कि जो चीजें संविधान में पहले से निहित नहीं थी, उनमें समय के साथ
संविधान कोई स्टैटिक इंस्टीट्यूशन थोड़े है, वो गतिमान है और समय के साथ उसमें परिवर्तन होते हैं। और इस बार भी आज लोगों को लगा है कि अच्छा टीडीपी हुए लोग देखिए नहीं, मैं मुझे लगता है कि जब टीडीपी बोल रही थी कि अगड़ों के लिए आरक्षण होने चाहिए तब क्या टीडीपी डरी हुई थी, जब बीएसपी बोल रही थी तब क्या वो डरी हुई थी, जब कांग्रेस अपने प्रस्ताव में लाई थी तब डरी हुई थी। मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है यह भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि ये डरे हुए लोगों की जमात है, और डरे हुए लोग जो है राजनीति में होते हैं वे डरे हुए कम ही होते हैं, वो बड़े अक्खड़ लोग होते हैं। और नरेंद्र मोदी तो की कम, नहीं नहीं लोग बार बार कहता है कि क्या है, मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि टॉप पर हो और वो गलती ना करे मैं ऐसा नेतृत्व तो मानता ही नहीं है। क्या गलती हुई? एक चीज सवर्ण छिटक रहे थे ना, मैं एक ही चीज कहता हूं, आप 10 गलतियां करके पाले में लाने की कोशिश है, अब ये तो मान लेना चाहिए फिर। नेहा जी, इतना बड़ा साहसिक फैसला लेने की हिम्मत किसी और में नहीं हो सकती थी, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी में ही हो सकती थी और किसी के नहीं। और मैं कहता हूं आप जब बड़े फैसले लेंगे उसमें गलतियां हो सकती है, विजय पूछ रहे हैं क्या साहस नहीं है। 2007 में सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, कांग्रेस पार्टी लागू कर देती, सभी को लगता था, बहुत वक्त से चिट्ठी लिख रही है, सभी लोगों को लगता था, बहुत वक्त से चिट्ठी लिखी राजीव साहब, सभी लोगों को तब तक तो ये बात मुद्दा बनी नहीं नेहा, ये चीज चुनाव से पहले मुद्दा बन रही है। मार्शल कौमे हैं हमारे, नेहा नेहा सब कह रही है उनको ओबीसी में शामिल किया जाए, उससे नेहा ठीक है, चिन्ह है वो एक बड़े की करके। हाँ बताइए ना नेहा, नेहा ये कवायद तो बहुत पहले से चल रही थी ना, ऐसे तो बीएसपी करके हमने चिट्ठी लिखी थी सबसे पहले, मायावती हर मंच से बात कह रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग कहते इसलिए थे ताकि इनको लगता, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ अभय जी, कि कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में इसलिए लिख रही थी कि उसको लगता था कि इसको लागू नहीं कर पाना है हमको। लागू करने की हिम्मत होती तो 10 साल कांग्रेस के पास थे, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई विचार होना चाहिए ना, नहीं हिम्मत करने की नौबत क्यों आई? हिम्मत देखिए, हिम्मत जो ऐसा नहीं है, राजीव ने बात कही है, राजीव एक मिनट, राजीव ने जो बात कही है कि आरक्षण की नीति को इससे लाभ हुआ है, मैं एक बहुत सामान्य ज्ञान की बात कहता हूँ, हम 5 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं इस टेबल पे, और ये कहा जाए 5 आदमियों को एक आरक्षण दिया जाता है तो क्या वो आरक्षण होगा? इस फैसले से इस देश की पूरी बात सुनिए, 95% आबादी को कोई ना कोई आरक्षण मिल गया है। इसका सीधा मतलब है कि आरक्षण जो एक विशेष सुविधा हुआ करता था, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष सुविधा होता था, इस कदम से उस पूरी नीति का पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया गया है, आरक्षण बचा ही नहीं है। ये देखिए देखिए जो अभय जी कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि वो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप अगड़ों के बीच में, और उसमें सामान्य कैटेगरी में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सारे हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो एक एक पर्टिकुलर जाति में है उसको अपराध बोध में ये जिए, उसने पाप ये किया है कि उस जाति में जन्म ले लिया है, ठीक है, आप सारे लोग ब्राह्मण घोषित कर दिए हैं, बहुत ही बेतुकी की बात है, बहुत ही बेतुका तर्क है। आरक्षण के नतीजे पर कैसे पहुंचा गया ये तो तमाम राजकिशोर जी, कैसे पहुंचे आप 8 लाख के नतीजे पर कैसे पहुंचे, आप 5 एकड़ के नतीजे पर कैसे पहुंचे, मैं आपको बताता हूँ, आंकड़ा है कि पिछड़ों मैं आपको बताता हूँ कितने लोग लिमिट है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठा रही है, यही कह रही हूँ, ये चीज तो आप कोर्ट में चैलेंज हो सकती है ना। सवाल ये है, देखिए बड़ा सवाल क्या आज की तारीख में, नहीं बहस कर रहे हैं, एक मिनट, बहस नहीं करते हैं, तब आप बहस नहीं कर रहे हैं। अबे दुबे जी, 10% सही है ये लोकसभा ने कह दिया, कि आज राज्यसभा भी यही कहेगी, ईसीजी क्या कह रहा है सरकार का, जिससे राज्यसभा में आपको सेहत पता चलेगी, कुल स्ट्रेंथ 244, एनडीए के अपने दम पर 92 सांसद, कांग्रेस के 50, उनका समर्थन मिला दे आंकड़ा 142 हो जाता है, समाजवादी पार्टी के 13 मिलाकर आंकड़ा 155, बीएसपी के 4 159, एनसीपी के 4 163, आम आदमी पार्टी का सहयोग 3 सांसद 166, जेडीएस का 1 सांसद मिला दीजिए 167, बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में 163 सीटें चाहिए। तो ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी जो बाकी पार्टियां हैं वो साथ देंगी सरकार का, तो कोई दिक्कत आज राज्यसभा में भी नहीं आनी चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराने में। इस बीच गरीब सवर्णों को 10% के आरक्षण वाले विधेयक पर एबीपी न्यूज अलग अलग शहरों में लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहा है। पटना के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हमने छात्रों से बात की, पटना के छात्र ये मानते हैं कि इस फैसले से गरीब सवर्णों को फायदा मिलेगा, छात्रों का मानना है कि इससे बीजेपी को भी
वायदा मिलेगा। गरीब सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का बिल लोकसभा में पास हो चुका है और संभवतः आज उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन आम लोगों की इसको लेकर क्या राय है ये जानने के लिए हम पटना के फ्रेजर रोड इलाके में आए हुए हैं, जहां हमारे साथ कुछ युवा हैं जो न सिर्फ अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। जो केंद्र सरकार का फैसला आया है, क्या लगता है कि इससे आम लोगों को या जो गरीब सवर्ण है उनको ज्यादा फायदा होगा या बीजेपी को आने वाले चुनाव में? देखिए, जो अभी कल लोकसभा बिल पास हुआ है स्वर्णों को 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने के लिए, ये प्रधानमंत्री का सराहनीय कदम है और इससे जो है बेहद जरूरी था ये आरक्षण देना गरीब स्वर्णों को, और इससे कहीं ना कहीं समाज में गरीब स्वर्णों को एक फायदा होगा। जिस तरीके से सरकार इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है सरकार का या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव में लोगों ने नोटा का बटन दबाया था उसके बाद सरकार जागी है? जी बिल्कुल जागी है, कहे कि अभी चुनाव के 100 दिन पहले ये मास्टर स्ट्रोकिंग कहा जाएगा कि 100 दिन पहले आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, अभी ये तो आप 4 साल बीतने के बाद ये हो रहा है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। चुनावी कदम है ये? हाँ, चुनावी कदम है पूरी तरह से। जो 10% आरक्षण देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, गरीब सवर्णों को ज्यादा फायदा होने वाला है या बीजेपी को आने वाले चुनाव में? देखिए, गरीब सवर्णों को तो फायदा मिलेगा और इसमें तो हमको ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि बीजेपी के सरकार को ज्यादा फायदा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्ण जाति का वोट हमें आ सके। ये बताइए कि जो सरकार का फैसला है, गरीब सवर्णों को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है आपको या चुनाव में मोदी सरकार को? देखिए सर, जहां तक हम देखेंगे गरीब सवर्णों को तो मिल रहा है फायदा, लेकिन सरकार केवल गरीब के लिए नहीं की है। 8 लाख का इनकम का दायरा तय करना और उसमें भी 5 एकड़ जमीन की बात कर रही है, तो आप देखिए अगर निचले तबके में जाइएगा तो कितने लोगों को 5 धुर नहीं है और वहाँ पे लोग कंपेरिजन करता है, नहीं भाई हम गरीब हैं हमको भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन। तो ये जो अमाउंट तय किया गया है 5 एकड़ का और 8 लाख रुपए का, ये कहीं ज्यादा है सर। जो फैसला है केंद्र सरकार का, क्या लग रहा है बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा या गरीब सवर्ण जो है उनको होगा फायदा? ऐसे देखा जाए तो मेन रूप से बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि पिछले 4 राज्य में इलेक्शन हार गया, इसीलिए कुछ न कुछ देकर वोट बढ़ाना चाहता है और अगला केंद्र सरकार में भी बीजेपी का ही सरकार बनेगा। मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों का मानना है कि 2 राज्यों में मिली जो चुनावी हार है, वहां जो नोटा का बटन लोगों ने दबाया उसके बाद सरकार जगी है और जो गरीब सवर्णों को फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। मेरे सहयोगी विशाल राय के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज पटना। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो 10% आरक्षण की बात है, इसमें आप देख रहे हैं हमने ब्लू टिक लगाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि लोकसभा ने इसे सही बताया, पारित किया इस बिल को और आज राज्यसभा में इसकी बारी है। पटना के लोगों की आपने राय देखी, इससे पहले कि हम दिल्ली का रुख करें, देश की राजधानी का, राजकिशोर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मोदी स्ट्रोक है ये 2019 में उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर सवर्णों को मनाने की दिशा में पैनिक बटन दबा दिया सरकार ने, इस तरह से इसे देखा जाएगा? देखो नेहा, अगर पैनिक बटन दबाना होता नरेंद्र मोदी को तो सबसे पहले वो किस पर जाते? जब 3 राज्यों में चुनाव हारे तो बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि अब राम मंदिर के अलावा, राम के अलावा बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। उस पर मोदी का बयान क्या आता है? मोदी साहब कहते हैं कि नहीं, बिना कोर्ट के फैसले के वो कोई अध्यादेश नहीं लाने जा रहे हैं। अब उसके जो भी हो, अगर वो कोई डरा हुआ व्यक्ति होता तो इस तरीके की बात नहीं करता। नंबर 2, राम नहीं, नारायण नहीं, दरिद्र नारायण, बिल्कुल क्लियर है। जितनी स्कीम्स हैं, जितनी चीजें हैं, नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब था कि अगर मैं 5 साल डिलीवर नहीं कर पाया हूं तो सिर्फ राम के नाम पर चुनाव जीतकर नहीं आने वाला हूं। और ये आज से नहीं, 2007 के विधानसभा चुनाव से मैं ट्रेंड देखता चला आ रहा हूं कि जब किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे पूरे देश में, उस समय वहां पर सौराष्ट्र में हथकड़ियां लग रही थी किसानों को। तो अगर ये पैनिक बटन दबाने जैसी स्थिति, निश्चित तौर पे सियासत पर तमाम दबाव होते हैं और ये सियासी फैसला है, चुनाव के पहले लिया गया है, इससे मैं कतई इनकार नहीं करूंगा। इसका मतलब, लेकिन निश्चित तौर पे फायदा अगर ना होता तो दूसरे लोग डर के पीछे क्यों रैली कर रहे होते, क्यों रैली कर रहे होते इसके। ठीक है, इस पर मैं आगे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों से भी हमने बात की है, जेएनयू के छात्रों ने गरीब सवर्ण आरक्षण बिल को अच्छा फैसला बताया। जेएनयू के छात्रों से हमारी संवाददाता निधि ने बात की। लोकसभा में पास हुआ सामान्य वर्ग आरक्षण बिल, आज इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक हम जनता की राय पहुंचा रहे हैं और इस बीच जेएनयू के छात्रों का क्या मानना है मोदी सरकार के इस बिल को लेकर,
हमारे साथ तमाम वो छात्र हैं जो सुबह सुबह इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी, आपका नाम? महिमा। क्या महिमा, आपसे सवाल ये कि जिस तरीके से 10% आरक्षण सवर्ण जो वर्ग है उनको दिया गया, खासतौर पर आर्थिक आधार पर, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको एक अच्छा कदम मानती हूँ। इट्स लाइक कि आरक्षण अगर आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आरक्षण एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि दे आर बैकवर्ड सोसाइटी सो दे उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। आरक्षण उन सबको मिलना चाहिए जो लोग वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो एक नॉर्मल परिवार अफोर्ड कर सकता है। सो आई गेस या इट्स अ वेरी गुड वे, इट्स अ बहुत अच्छा कदम है और या आई सपोर्ट इट, अगर ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो पाता है तो। आप सर क्या सोचते? पहली बात ये कि आरक्षण का तभी तक महत्व है जब तक आपके पास पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम हो, पब्लिक सेक्टर की नौकरियां हो, जब दोनों चीज़ें हैं तो आरक्षण का कोई महत्व नहीं है। नहीं, मैं इस चीज़ से एक्चुअली एग्री करता हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से ही मानना ही है कि आप रिजर्वेशन किसी को भी कास्ट बेसिस पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कास्ट बेसिस पे आप रिजर्वेशन देते हैं तो वी कैन सी कि हमेशा लोअर कास्ट में ही कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत फिट हैं बट उनको रिजर्वेशन मिल रहा है एंड दे आर यूजिंग दैट थिंग, तो दिस इज़ नॉट गुड। और इस अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिकली अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को उन तक रीच करेगा वो चीज़। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि रिजर्वेशन दे देते हैं और उसके बाद फिर जिनके मेरिट में ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाता, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड वगैरह भी अटैम्प्ट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रिजर्वेशन देना ठीक है, लेकिन हाँ ये भी है कि हमें बाकी सेक्शंस का भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ एससी एसटी है या जनरल्स है इनके बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे देना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही फॉरमोस्ट है डेमोक्रेसी में। तो देखा आपने किस तरह से जो दिल्ली में छात्र हैं बिल को कोई खराब नहीं बता रहा है, इसका फायदा सही तरह से मिल जाए इस पर ज्यादा जोर है, हालांकि चुनावी स्टंट है ये भी आम लोगों के बीच में से राय निकल करके आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यसभा में आज दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा, आरक्षण बिल पेश होगा राज्यसभा में आज दोपहर 12 बजे और उसके बाद देखना होगा कि राज्यसभा से पास होने के बाद जाहिर सी बात है संसद की इसको मंजूरी मिल जाएगी। राज्यसभा में आज दोपहर 12 बजे आरक्षण का यह बिल पेश होगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में हर बार की तरह सरकार की डगर मुश्किल रहती है, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से विरोधी दलों ने सवाल उठाने के बावजूद सरकार के पक्ष में आकर इस बिल को समर्थन दिया है, अगर वही ट्रेंड राज्यसभा में कंटिन्यू करता है तो सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस बिल को पास कराने में। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया का हम इस खबर पर। विकास, दोपहर 12 बजे राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा और क्या सरकार की राह अब आसान मानी जाए राज्यसभा में भी, ये देखते हुए कि लोकसभा में विरोधियों ने भी सरकार का साथ इस बिल पर दिया है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये ऐसा बिल है जिस पर विरोध के बावजूद समर्थन में मतदान हुआ लोकसभा में, उसको देखते हुए लग रहा है कि राज्यसभा में भी सरकार के लिए बहुत कठिन रास्ता नहीं होगा। लोकसभा में ये बिल कल पास हुआ था, आज तकरीबन 12 बजे के आसपास, चूंकि आज एक्सटेंडेड सत्र है मतलब सत्र का दिन एक दिन बढ़ाया गया है, इसलिए आज क्वेश्चन आवर नहीं होगा, प्रश्नकाल नहीं होगा, उसी दौरान लोकसभा से इस बिल के राज्यसभा में आने की सूचना सभापति की तरफ से दी जाएगी और उसके बाद सरकार इस बिल को राज्यसभा में रखने की और इस पर चर्चा की इजाजत मांगेगी और तकरीबन ये माना जा रहा है कि 1-2 बजे के आसपास इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी ताकि इस बिल को राज्यसभा से पास कराया जा सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोकसभा से पास कराने के बाद अब राज्यसभा में उतनी दुश्वारियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार लगातार विपक्षी दलों से संपर्क में है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दोपहर 12 बजे राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोच रहे हैं, जो फॉरवर्ड क्लास है जिनके लिए इस बिल को लाया गया है, सामान्य वर्ग वो किस तरह से देख रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी और दोपहर 12 बजे इस बिल को रखा जाएगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से मुकेश नायक जी मौजूद है। मुकेश नायक जी, राज्यसभा में भी हम माने कि लोकसभा की ही तरह कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेगी इस बिल पर? निश्चित रूप से इसमें राज्यसभा में बिल को पास होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि जो वोटिंग ट्रेंड लोकसभा में रहा है वही राज्यसभा में होगा, लेकिन ये एक राजनीतिक फैसला है और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये धरातल पर कैसे आएगा। मैं ये कहता हूं नेहा जी
कि भारत में अभी 50% आरक्षण ऑलरेडी है और 50% की लिमिट को एक्सिट करना ये अपने आप में संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। कल जेटली जी लोकसभा में ये कह रहे थे, जब इसका स्पष्टीकरण दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि मूल प्रारूप है जो संविधान का, उसमें ये कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर समाज में बराबर से लोगों को मिले। इस दृष्टि से ये हमें ये इस दृष्टि को ध्यान में रखना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा एक्सिट लिमिट जो है, ये जो देश का ज्ञान, देश के लोगों में जो ज्ञान का भंडार है, जो कौशल है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जफर इस्लाम जी का क्या होगा? एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी सर। लोगों के बीच से रिएक्शन आ रहा है कि कदम अच्छा है, लेकिन जो आपका साथ दे रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। एक मिनट सर। देखिए, इन्हें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। ये गरीबों का मामला है, जो वंचित रहे हैं 70 सालों तक उनका मामला है। इन्हें इस तरह से आप ये बताइए कि ये धरातल पर कैसे आएगा, जो चीज के बारे में कह रहे हैं। सुन लीजिए ना मुकेश नायक जी, जरा सा सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम समझ रहे हैं आपको थोड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार ने इस चीज के बारे में हिंदू मुस्लिम पार्लियामेंट में बात की, ब्राह्मण ठाकुर इतने लोग को चैलेंज कोई कर सकता था, उस वक्त हम अनाउंसमेंट करते हैं जब इनेबलिंग प्रोविजन को हमने जो चेंज किया, जो संविधान के उसमें संशोधन करने की जरूरत थी, संशोधन किया। आर्टिकल 15 और 816 में संशोधन की जरूरत थी, वो हमने किया, और उसके बाद अब इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चैलेंज करे, वैसे मैं आपको बता दूं, जफर इस्लाम जी जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एएम अहमदी, आज पेपर्स में रिपोर्ट हुआ है, पूर्व जस्टिस जो है सीजेआई एएम अहमदी, जो कि लैंडमार्क 1992 का मंडल कमीशन का जो वर्डिक्ट था उसका हिस्सा थे, वो कह रहे हैं कि 50% पर इसीलिए कैप किया गया था रिजर्वेशन को, कि चुनाव को ध्यान में रखकर सरकारें उस लिमिट को ऊपर नीचे ना करें। और वो ये कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं, कि बीजेपी गवर्नमेंट्स मूव इज डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिजर्वेशन। तो ऐसा नहीं है कि इस पर सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन हम सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जब जनता चुनाव में मालिक होती है तो जनता के बीच आप इसे किस हद तक कैश करा पाएंगे या नहीं। और दूसरे मुद्दे जिन पर बीजेपी सरकार घिरी हुई है, मसलन राफेल हो गया, राम मंदिर हो गया, क्या इन पर बातचीत और चर्चा और हंगामा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।